हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मनीषा कौशिक. आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, अ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ वास्तु फंक्शन कंसल्टेंट. और मैं आपसे लगातार बात करती हूँ और हम मेजरली यूट्यूब चैनल पर मेरे हम आपके सपनों को डिकोड करते हैं. अब सपने बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत वैरायटी में देखे जा सकते हैं. इनफैक्ट मेरा नज़रिया, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि हर इंसान के सपनों का फ्लेवर जो है ना, वो अलग होता है. जिस तरीके से हर घर में चाय जो है वो चाय चाय कहलाती है, लेकिन उसका स्वाद जो है वो डिफरेंट होता है, उसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में आपके सोचने का नज़रिया भी अलग हो सकता है. भले हम सब अच्छा सोच रहे हों, लेकिन अच्छे में भी वैरायटी होगी. उसी तरीके से हमारे सपनों में भी बहुत ही वैरायटी देखने को मिलती है, और जो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चल रही होती हैं, कई बार उन्हीं से जुड़े हुए हमें सपने आते हैं. लेकिन कई सपने इतने पर्टिकुलर होते हैं कि हम कुछ भी क्यों ना सोच रहे हों, जो हमने ना भी सोचा हो कभी, वो हमारे सपने में अचानक आना शुरू हो जाता है. और कुछ सपने ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक हमें याद रहते हैं. वो यूजुअली इन्हीं सपनों के बारे में मैं जिक्र करती हूँ. हम बात कर रहे थे कलर येलो के बारे में, येलो बर्ड के बारे में. तो आज का जो टॉपिक है वो येलो कलर के स्नेक के बारे में है, जिसके बारे में भी काफ़ी लोगों ने, स्पेशली मेरे यूट्यूब के कमेंट्स अगर आप रीड करेंगे तो बहुत से लोगों ने लिखा है कि पीले रंग का सांप अगर दिखाई देता है तो उसका मतलब क्या होता है. चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस बारे में चर्चा करते हैं कि जब भी येलो कलर्ड स्नेक नज़र आए तो इसका मतलब क्या होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है. चलिए शुरुआत करते हैं. येलो कलर्ड के स्नेक का मतलब क्या है? सांप जो है ना, वो विजडम का, अच्छी स्पीड का को रिप्रेजेंट करता है, पर साथ ही साथ हमारी सेक्सुअल डिज़ायर्स को भी रिप्रेजेंट करता है. तो जब हमें विजडम की, इंटेलेक्ट की, हमारे थॉट प्रोसेस की बात कर रही हूँ, तो यूजुअली हमारे जो इंडियन वैदिक सिस्टम के अकॉर्डिंगली ड्रीम्स हम एनालाइज करते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है. लेकिन जब मैं सेक्सुअल डिज़ायर्स की बात कर रही हूँ तो वो वेस्टर्न ड्रीम एनालिस्ट की उस कैटेगरी में उसे रिलेट करते हैं. तो जब भी येलो स्नेक नज़र आता है, वो या तो बिगिनिंग ऑफ सेक्सुअल लाइफ नज़र आता है, खासकर अगर आपकी अभी अभी शादी हुई है तो इंटिमेसी जैसे जैसे डेवलप होनी शुरू होती है तो ऐसे सपने तब आते हैं. अगेन 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 रिपीट कर रही हूँ कि जब भी हम सपना देखते हैं तो हमारा अपना भाव कैसा है. अगर हमें येलो कलर का स्नेक देखकर हमें डर लगना शुरू होता है तो इसका मतलब है हमारी अंदर की एंग्जाइटीज़ या फियर हमें परेशान कर रही हैं. पर प्रैक्टिकली सबसे पहला सवाल मेरा यही होता है कि क्यों आया ऐसा सपना. या आपके भी दिमाग में होगा कि ऐसा सपना अक्सर क्यों आता है, जबकि हमें ना सांप पसंद है, ना हमें कभी नज़र आते हैं, ना हम ऐसे उन्हें रेगुलरली जो है वो हम उन्हें देखते हैं, तो फिर ऐसे सपने में हमारे क्यों आए. यूजुअली अगर आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं रखते या नहीं सोचते आप सांपों के बारे में, तो जब भी ये चीज़ें सपने में आती हैं, अगर तो आपने ऑफ लेट बड़ी रिसेंटली आपने कोई ऐसी मूवी देखी हो, किसी ने आपसे कोई चीज़ के बारे में जिक्र किया हो, तो थॉट्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, थॉट्स जो हैं वो इंटरमिंगल हो सकते हैं. कुछ येलो कलर का देखा, किसी ने सांप के बारे में बात की और मिक्स होकर येलो कलर का स्नेक आपके सपने में आ गया. लेकिन अगर उनसे रेलेवेंस ना हो, ऐसा कोई चीज़ आपके साथ नहीं हुई ऑफ लेट, तब भी ऐसे सपने आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुदरत आपको, यूनिवर्स आपको कोई इंडिकेशन दे रहा है और उन्हीं इंडिकेशंस को हम डिकोड करते हैं. तो अगर आप खुद को डरा हुआ महसूस करते हैं येलो कलर के स्पेशली स्नेक को देखकर, इसका मतलब ज़िंदगी में कोई बड़ा पड़ाव आने वाला है या चैलेंजेस हैं, या आपको पता है कि आपको अब ये ज़िंदगी में बड़ा कदम लेना है जिसको सोचकर आपको एंग्जाइटी हो रही है, तब ऐसे सपने आ सकते हैं. और दूसरी चीज़, सांपों से जुड़े सपने तब भी आते हैं जब हम अपनी इनसिक्योरिटी से लड़ने की कोशिश कर रहे हों, क्योंकि आप जानते हैं कि सांप की जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी होती है, अनलेस हम अजगर या उनकी बात कर रहे हो जिनकी जो है वो वेट जिनका बहुत ज़्यादा होता है. बट अदरवाइज सांप जो है उसकी स्पीड किसी नॉर्मल इंसान से कई गुना ज़्यादा होगी. तो जब कोई चीज़ तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रही हो तो आप में आपको ये डर लग सकता है कि मैं इस चीज़ के साथ कोप अप कर भी पाऊँगा या नहीं, मैं इस चीज़ से लड़ भी पाऊँगा या नहीं, या मैं कहीं ना कहीं अगर आपकी विक्ट्री इन्वॉल्व है, कि भले वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों या फिर कोई किसी कॉम्पिटिशन में आप अराइव कर रहे हैं, या जहाँ ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ आप कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं या अपना कैलिबर आपको दिखाना है, अपनी क्षमता को प्रूव करना है, तब भी ऐसे सपने परेशान कर सकते हैं. दूसरी बात, अगर हम बात करें कि अगर आपने अपने सामने आपने खुद को, क्योंकि कई तरह के तरीके के सपने हैं, तो इसलिए मैं मिक्स करके ही अब एक सवाल को शामिल कर रही हूँ, कि जब आपने अपने आप को सांप को अटैक करते देखा, या सांप ने आपको अटैक किया, या आपने कोई मरा हुआ सांप देखा, या सांप ने आपको काटा,
तो यूजुअली जब हमारी ज़िंदगी में कई ब्लॉकेजेस आ रही हों या फिर सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशंस हों, तब भी ऐसे सपने जो है वो नज़र आते हैं। अगर अपने रिलेशनशिप को लेकर आप काफ़ी इनसिक्योर हैं, आपको लगता है कि कहीं मेरे साथ इस रिलेशनशिप में भले पास्ट में आपके साथ धोखा हुआ, या आपको अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है, या आपको ये लगता है कि हम आपस में जो है वो ट्रस्ट बिल्ड ही नहीं कर पा रहे, तब भी ऐसे सपने आते हैं जहाँ येलो कलर के स्नेक ने आपको बाइट किया। खुद की गर्दन के आसपास अगर आपने सांप को जो है वो लिपटे हुए देखा है, तो ये वो चीज सिचुएशन रिप्रेजेंट करता है जब आपके पास बोलने के लिए आपका वॉइस ऑफ ओपिनियन जो है वो दबा दिया जाता है कहीं। यानी कि आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन आपको वो चीज़ें करने को नहीं मिल पा रही हैं, या आपको आपसे वो मौका छीन लिया गया है। उसके अलावा बात करें, अगर आप बहुत खुशी खुशी एक सांप के साथ, येलो कलर के स्नेक के साथ खुद को खेलता हुआ पाते हैं, तो ये समय कैसा है? तो सपने का मतलब क्या होगा? यानी कि ज़िंदगी में कुछ ऐसी टेम्पटेशंस हैं जिसे आप जानते हैं कि बहुत रिस्की हो सकती हैं, फिर भी आप उन्हें ज़िंदगी में करना चाहते हैं। भले वो बिज़नेस में बड़ा डिसीजन लेना हो, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट हो, परिवार से अलग जाकर शादी के बारे में बात करने हो, रिश्ता बनाना हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो ज़िंदगी में इस वक्त बहुत चैलेंजिंग नज़र आ रही है, आप उसे करना चाहते हैं। सो दिस इज़ अ टेम्पटेशन। और जब आप खुश नज़र आ रहे हैं ना सपने में, तो मतलब ये है कि अंदर से वो मोराल तो डेफिनेटली है, और आप अपनी जो ये ज़िद है, अगर इसे आगे लेना, आगे इसके साथ प्रोसीड करना चाहते हैं, तो क्वाइट ये पॉसिबल है कि आप इसमें सक्सेसफुल भी हो पाएंगे। लेकिन जैसे कि आपको मैंने कहा है कि मैं सिर्फ सपनों को ही डिकोड नहीं करती, पर करंटली आपकी एस्ट्रोलॉजिकल दशा क्या कह रही है, या मेरे टारो का आज क्या कह रहे हैं, बहुत सी चीज़ों को देखकर आपको गाइडेंस दी जाती है। तो आप अपने जब सपने लिखते हैं, तो सपनों को डिकोड करते हुए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किस उम्र के किस पड़ाव से गुजर रहे हैं, आपकी एज क्या है, आपने सपने में खुद को अभी इसी एज में देखा, अपना बचपन देखा, या आगे जो है वो अपनी आगे आने वाली एज देखी, तो किस वक्त आपने वो सपना देखा, ये सब बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रख कर सपनों का मतलब डिकोड किया जाता है। लेकिन फिर भी वीडियोस में, ताकि आप जब भी सपना देखते हैं, मैं जानती हूँ हर इंसान जो है वो बात नहीं कर पा सकता, या समझा नहीं पाता कई बार अपने सपनों को, लेकिन आप अपने मैसेज सपनों के थ्रू मैसेजेस को समझ पाएँ, इसलिए मैं आपसे ये वीडियोस जो है वो शेयर करती हूँ। येलो कलर के बारे में जब मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ये खुशी का, कंटेंटमेंट का कलर है, तो उसी तरीके से जब भी हम येलो कलर की स्नेक के बारे में बात करें, और डर भी हो लेकिन फिर भी मज़ेदार मज़े में ये सपना निकल जाए, इसका मतलब कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में कोई खुशी जो है, खुशी से जुड़ा हुआ मौका या कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। आपके सपने में आपको अगर येलो कलर का स्नेक नज़र आया, अगर मैंने जिन बारे में जिक्र किया उनके अलावा कोई टॉपिक था, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और जल्दी हम दोबारा एक और टॉपिक के लिए साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, सी यू।